उस समय 2020 में वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कोविड की आड़ में खुलेआम भ्रष्टाचार किया, ये सारे दस्तावेज जो वायर ने। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा पर पीपीई किट में घोटाले का आरोप लगाया। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को सरकारी खरीद में ठेके दिए और 600 रुपए की पीपीई किट 990 रुपए में ली। सुनिए सिसोदिया ने क्या कहा। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को, इनको ये पीपी किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसको उन्होंने, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज, जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की। आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों के जवाब में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वो मनीष सिसोदिया पर आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। हेमंत ने कहा कि जिस वक्त पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, तब असम के पास मुश्किल से कोई पीपीई किट थी। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और सरकार को करीब 1500 पीपीई किट फ्री में डोनेट की, उन्होंने एक रुपया तक नहीं लिया। हेमंत ने सिसोदिया को लेकर कहा कि उस वक्त सिसोदिया ने बिल्कुल दूसरा रूप दिखाया। मैंने दिल्ली में फंसे असम के लोगों की मदद करने के लिए सिसोदिया को बार बार फोन किया, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। हेमंत ने कहा कि मैं एक घटना बिल्कुल नहीं भूल सकता, जब मुझे कोविड का शिकार बने एक असम के नागरिक की बॉडी दिल्ली के मर्चुरी से लाने के लिए 7 दिन इंतजार करना पड़ा। हेमंत ने सिसोदिया से कहा कि उपदेश देना बंद करें और मैं आपको जल्द ही गुवाहाटी में देखूंगा, क्योंकि अब आपको क्रिमिनल डिफेमेशन का सामना करना होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।